अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है ना, एकदम। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको श्रीनगर का टूर कराऊंगी, वहाँ के फ्लावर्स को दिखाऊंगी, वहाँ के जो बाग बगीचे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल दूंगी। तो वहाँ जो श्रीनगर का व्यू है उसे जन्नत कहा जाता है। तो सचमुच वो धरती का जन्नत है, स्वर्ग है। और वहाँ आपको एक बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर जाना चाहिए। फ्लाइट से लिया हुआ ये व्यू है, पूरी बर्फ़ गिरी हुई है पहाड़ों पे और उसी का व्यू है। ये जून के महीने का है, जहाँ जबकि वहाँ पे बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और लगभग 15 जून के बाद ऐसा कहा जाता है कि बर्फ़ थोड़ी पिघल के ख़त्म भी हो जाती है। श्रीनगर में घूमने के लिए डल लेक या डल झील आप घूम सकते हैं। यहाँ शिकारा राइड बहुत अच्छे से की जाती है, हाउस बोट भी हैं जहाँ की एक नाइट आप रह भी सकते हैं। इसके बाद जो भी आसपास के एरिए हैं, जिसमें कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और कंडोला राइड गुलमर्ग में की जाती है, और सबसे सुंदर जगह अगर मैं कहूँ कश्मीर में घूमने लायक है तो वो गुलमर्ग है। गुलमर्ग का जैसा कि नाम से ही है, गुल मतलब होता है कि फ्लावर, फूल, और मर्ग का अर्थ होता है मार्ग, जहाँ मतलब ये कि जहाँ देखिए वहाँ फूल ही फूल खिले हों, वो वाले रास्ते को गुलमर्ग कहते हैं। यहाँ सचमुच मैंने देखा कि जितनी भी घास थी उसमें भी बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर हुए थे। तो इतने सुंदर फ्लावर यहाँ होते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, पूरी अच्छी खासी ठंडक रहती है और गुलाब के फूल यहाँ बहुत उगते हैं। यहाँ एक इतने सुंदर और बिल्कुल मिट्टी में ऐसे जनरली लगाए हुए, मुझे नहीं लगता कि ये लोगों को खाद देने की ज़रूरत कोई पड़ती होगी, लेकिन वेदर इतना अच्छा वहाँ का है, ठंडक है वहाँ अच्छी, इन्वायरमेंट अच्छा, साफ़ सुथरा है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा है। तो ये फ्लावर अपने आप ही हवा से खाना लेकर के और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आज मैं आपको वो सारी वीडियोस दिखाने वाली हूँ जो कि मैं कैप्चर करके लाई हूँ, और आपको दिखाना तो बनता ही है। गुलाब के यहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल और पूरी बेलें लगी हुई हैं घरों के बाहर और गार्डन में। श्रीनगर में तो बहुत सारे गार्डन हैं, तो जिनको कि मैं कैप्चर करके थोड़ा थोड़ा लाई हूँ, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स हैं, लेकिन आप देखेंगे कि गुलाब के जो फूल हैं वो इतने खूबसूरत हैं, जबकि ये वहाँ एंड चल रहा है इसका। तो इसको अगर आपको देखना है तो मार्च अप्रैल के महीने में आप कश्मीर विजिट करें तो आपको बहुत सुंदर से बहुत सारे गार्डन में ऐसे मिलेंगे जहाँ की आपको फूलों की बहुत ढेर सारी वैरायटियाँ मिलेंगी। जो फूल हमारे यहाँ बहुत थोड़े छोटे होते हैं उनकी साइज बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं, और बहुत डेकोरेशन के साथ यहाँ पे श्रीनगर में मुगल गार्डन और भी कई तरह के 10 ऐसे गार्डन हम लोगों ने देखे हैं जिसमें कि बहुत ढेर सारी सुंदरता है, प्राकृतिक पानी है, और वेदर यहाँ का इतना अच्छा है कि इस वजह से फूल वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो सारे नज़ारे प्राकृतिक मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, और किनारे किनारे पहाड़ हैं और बीच में वैली बनी हुई है, और खूब सुंदर सुंदर से गार्डन है, साइड में पानी बह रहा है, साइड सीन बहुत ज़्यादा है, उसे ही देखने पूरी कश्मीर में लोग जाते हैं। तो आपको भी कभी विजिट का मौका मिले तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। और इसमें इतने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं, और मैंने देखा है कोई ज़्यादा खाद वगैरह नहीं दी गई हुई है, मिट्टी भी नॉर्मल है यहाँ की, लेकिन वही है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है प्लांट्स के लिए, और इसीलिए ये इतने सुंदर सुंदर फूल हुए हैं। चूँकि विंटर के टाइम में यहाँ बहुत बर्फ़ जमी रहती है, तो ज़्यादातर जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ की बर्फ़ पड़ती है विंटर के टाइम में, वहाँ जो भी पौधे उगते हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं वो पतली होती हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ नहीं होती हैं। जो मैदानी इलाकों के जो पौधे होते हैं आप उसमें बड़े बड़े पत्ते आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन वहाँ पे
जो पतली पत्तियों वाले होते हैं पौधे वो बहुत उगते हैं यहाँ पे। अखरोट के पेड़ जैसे हमारे यहाँ आम के पेड़ दरवाजे पे लगाए जाते हैं, उस तरह से यहाँ अखरोट के पेड़ हर होटल के बाहर, सड़कों के किनारे, सब जगह अखरोट के पेड़ लगे हुए थे मैंने देखे हैं। और छोटे छोटे अखरोट के भी प्लांट उसमें लगे हुए हैं। एप्पल का जो बाग है वो भी मैंने वहाँ यहाँ पर देखा है, और बड़े हमने वहाँ एप्पल जूस भी पिया हुआ है, और बहुत ही रिजनेबल रेट में, क्योंकि वहाँ यहाँ ये सारी चीज़ें की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उगती हैं। बहुत ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये लोग उगाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि प्लांट अच्छे चलते हैं। और ये वाले ये एप्पल है ना, एप्पल हाँ। थोड़ा सा नीचे करिएगा, क्लोजअप में फोटो ले लें। हाँ, ले लीजिए यहाँ, बस ज़्यादा नहीं, अरे टूटे ना डाली भाई। नहीं नहीं, ये नर्म होती है रबड़ की तरह। इसके पौधे भी आप लोग देते हैं? हाँ, ये ग्रीन जो है यही रेड हो जाएगा। अच्छा, ये बड़े बड़ा भी होगा क्या? हाँ, बहुत बड़ा होगा यहाँ तक। गोरखपुर से। अच्छा, गर्मी कितनी है? अरे गर्मी इस समय तो 45 है। ये तो जल जाएगा उधर। अच्छा, ग्रीन हाउस में ये लग सकता है, या ऐसे किसी छाया वाले पेड़ के नीचे लग सकता है ये? हाँ, हाँ। बड़े पेड़, बड़े बड़े जो आम के पेड़ होते हैं। हाँ, हाँ, उसके नीचे। अच्छा। एप्पल 5-6 किस्म के एप्पल है, रेड एप्पल है, रेड गाला है, और डेलिशस है, कुल्लू है, और ग्रीन एप्पल है। क्या ज्यादा से रहेगा ना? और यार 40-20 रुपए लगेगा कुल्लू का। किलो का? हाँ। एक पेटी में कितने किलो आते हैं? 20 किलो 800 रुपए। 800 में 20 किलो आ जाएंगे आपको, और यानी कि 1200 तक। ये है ग्रीन एप्पल है, पूरा डब्बा जो बाहर आपने देखा ना डब्बा, उसमें। तो ये है सेब के बागीचे, और ऐसे छोटे छोटे बागीचे बहुत व्यापक रूप से यहाँ फैले हुए हैं, और यहाँ यही सब ज़्यादा होता है ठंडे और पहाड़ी इलाकों में। सेब की प्रजातियाँ, आड़ू है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, इस तरह के पौधे आपको अक्सर मिल जाएंगे। तो सेब के जो बागीचे हैं वो यहाँ श्रीनगर में बहुत ज़्यादा, श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए, सोनमर्ग जाते हुए रास्ते में ये पड़ते हैं। तो इसके जूस भी आप पीजिए और इनके बागानों को भी देखिए। कश्मीर घूमने का आप जब भी प्लान बनाएं तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, जिसमें कि आपको घूमने की जो प्लेसेज हैं वो पूरा श्रीनगर का साइट सीन है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, और गुलमर्ग है। सबसे सुंदर मुझे गुलमर्ग ही लगा। वहाँ पे आप गंडोला राइड कर सकते हैं, और वो आपको ऑनलाइन उसकी टिकट लेनी होती है, जो कि 2 फेज में है, जिसमें कि रोपवे चलता है, और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे यूँ कहूँ कि लेके जाता है। वहाँ आप बर्फ़ खेल सकते हैं, और वो बहुत सुंदर जगह है। रेडी, ये देखिए गुलमर्ग की एकदम सेकंड फेज की ऊंची पहाड़ियों पे, जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग बर्फ के चोटियों पे जो है पहाड़ों पे, बर्फ की पहाड़ों पे नज़ारा लेते हुए ये पूरा जो है कि आप व्यू देखें। ये इतना जो है कि ये लिखिए आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। गंडोला राइट है ये। तो अगर आप कश्मीर का प्लान बना रहे हैं तो गंडोला राइड की टिकट आप ऑनलाइन ही करा लें, और ये लगभग 1 महीने के अंदर ही आप करा लेते हैं अपनी टिकट, जाने के 1 महीने के अंदर तो आपको टिकट यहीं से मिल जाती है, जब जहाँ के भी हैं, और उस टिकट से आप अच्छे से घूम सकते हैं। और अगर आप गुलमर्ग में जाते हैं और गंडोला राइड नहीं करते हैं तो आपका समझ लीजिए कि कश्मीर जाना बेकार है, इतनी सुंदर वो राइड है। तो आप ज़रूर उसको ऑनलाइन ही बुक कर लें और ज़रूर आप घूमें। और ये जो श्रीनगर के जो बाग हैं वो घूमने का जो सबसे अच्छा है, वो 8 से 10 बाग हैं, या यूं कहूँ हर जगह वहाँ बाग हैं, सुंदर, बहुत सुंदर बाग हैं, और ये मुग़लों के समय के हैं, कुछ बनाए गए हैं, कुछ
देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ही इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि कुछ भी वहाँ लगा दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से उगते हैं। और ये है हाइड्रेंजिया का पौधा जो कि बहुत ही आसानी से उग जाता है पहाड़ों में। हाइड्रेंजिया के पौधे 70 से 80 रुपए में आपको नर्सरीज में मिल जाएंगे। तो जो गर्म इलाके हैं वहाँ थोड़ी उतने अच्छे से ये नहीं चलते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जैसे उत्तराखंड में आपको खूब देखने को मिलेंगे। ये गिलाडिया के पौधे हैं जो कि बहुत ही आसानी से ये भी उग जाते हैं, और ये हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे उगते हैं, पर यह है कि इस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस तरह के फूल अगर उगे भी हैं तो एक आध फूल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इस तरह से एकदम घास जैसे नहीं उग जाएंगे और इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। ये तो वहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि ये अपने आप ही इतने सुंदर फूल उगते हैं। और बहुत सारी ऐसी ब्यूटी है जो मैं अपनी आँखों से देख के आई हूँ, जो कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ, वो तो जब आप जाएंगे तभी आप देख पाएंगे। लेकिन ये है कि पूरी ईश्वर की कृपा है कश्मीर पर, और खूब अच्छे से यहाँ घूमने की जगह हैं। और ये 4-5 दिन के टूर में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो आपको महीनों रह करके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं और महीनों यहाँ रह करके खूब इंजॉय करते हैं। कैलेंडुला के ये पौधे हैं जो कि हमारे यहाँ भी उगते हैं, पर विंटर में, इस समय गर्मियों के मौसम में ये आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वहाँ चूंकि मौसम बिल्कुल फरवरी के जैसा है, जैसे हमारे यहाँ फरवरी में के टाइम में मौसम रहता है, बिल्कुल वैसा ही मौसम है वहाँ। तमाम आपको इतने साइट सीन्स दिख जाएंगे कि जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो बैंगनी फूल आप देख रहे हैं इसे बेगम बहार कहते हैं। इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है कि ऐसे पौधे मैंने आज तक नहीं देखे हैं। बेगम बहार के पौधे हमारे यहाँ भी मिलते हैं, पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग मैंने नहीं देखी है। ज़मीन में लगा हुआ ये पौधा है जो कि गार्डन में लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये। और ये श्रीनगर के ही मुगल गार्डन का है, और इसमें जिसमें कि ये बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है, पूरा पौधा एकदम बैंगनी रंगों से भर गया है। चारों तरफ जहाँ देखिए वहाँ पहाड़ ही पहाड़, और उस पर खूब सुंदर सी ग्रीनरी। मई जून के महीने में ग्रीनरी रहती है, और आप विंटर के टाइम में आते हैं तो सब बर्फ़ से ढका रहता है, तो ये ऐसा नज़ारा यहाँ रहता है। तो आपको ये चॉइस करना है कि आपको कब आना है, यानी आपको बर्फ़ देखनी हो बहुत ज़्यादा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखनी हो, तो आप विंटर के टाइम में आ सकते हैं। फरवरी मार्च का महीना अच्छा रहता है। और अगर आपको मैदानी इलाके या हरी भरी घास या फ्लावर खूब ढेर सारे देखने हैं तो आप मई जून के महीने में आ सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कहाँ कब आना है। वैसे मेरे हिसाब से तो मई जून का महीना ठीक रहता है। अगर आप थोड़ा और अर्लियर आते हैं, अप्रैल और मई के महीने में आ सकते हैं, तो वो टाइम भी बहुत अच्छा रहता है। उसमें आपको बर्फ़ भी मिलेगी और हरी घास भी मिलेगी, बहुत प्यारे से फूल ऐसे जंगल जैसे उगे हुए हैं, और चारों तरफ इनकी छटा बिल्कुल सुंदर से दिखाई देती है। तो यहाँ पे ईश्वर का वरदान है ये, और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि कोई भी फ्लावर अपने आप ही ऐसे ही लगा देने पे भी उग जाएगा। अब इतनी दूर गए हैं तो फ़ोटो खिंचवाना तो बनता ही है, तो हम सब ने अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं। और ये जो आप मैदान देख रहे हैं ये गोल्फ कोर्स है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है जो कि कश्मीर में है। और बहुत ही सुंदर सा ये ग्रीनरी वाला नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ बच्चे गोल्फ भी खेल रहे हैं, वैसे मैं गोल्फ नहीं खेलती तो मैं यहाँ बैठ के आराम कर रही हूँ, कुछ फ़ोटो क्लिक करा रही हूँ। अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं और फ़ोटोज़ हैं, और बहुत सुंदर नज़ारा है कश्मीर का। तो ये छोटा सा एक ब्लॉग टाइप का बना करके मैंने दिखाया है आपको, इसमें बहुत सुंदरता और बहुत ग्रीनरी है, और इतने सुंदर इन्वायरमेंट को खूब इंजॉय करना चाहिए। और आपको ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कश्मीर ट्रिप इस कौन कौन प्लान कर रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते, बाय बाय।